नमस्कार, मैं जून मैसी, आप देख रहे हैं इंडिया फायर न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद है दिल्ली के धड़कन सीपी में, कनॉट प्लेस में हम लोग हैं। और कनॉट प्लेस में लोग, तमाम लोग दिल्ली के अलग अलग जगहों से आते हैं। हम दिल्ली के लोगों से जानेंगे अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा, दिल्ली का हवा किस तरफ चलते हुए नजर आ रहे हैं, और कौन बनेगा दिल्ली का अगला सीएम। सर केजरीवाल। केजरीवाल क्यों लगता है कि केजरीवाल बनेगा? जो उसके अच्छे काम है उसके वजह से काम हो रहा है। हाँ सर, आपका क्या कहना है? केजरीवाल बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। मैं 30 साल से दिल्ली में हूँ भाई, मुझे शुक्रवार को घर से निकलने में डर नहीं लगता था, अब लगता है। क्यों पत्थरबाजी हो रही है भाई? अमानतुल्ला खान का क्या मतलब बनता है चांदनी चौक में पथराव करवाने का, और क्या मतलब बनता है भीड़ में हिंसा करवाने का जामिया इस्लामिया में? वो होता कौन है? वो वीडियो में वायरल हुआ है, वीडियो देखा है मैंने, कि दाढ़ी निकलवा देगा मोदी, बुरका निकलवा देगा। मोदी ने कब कहा गलत? मुसलमानों को कहा सबका साथ सबका विकास। अभी हम यही जानने के लिए आए कि मुद्दे को मत भटकाइए, हम ये जानने के लिए आए कि केजरीवाल बेकार है, उसे सीएम नहीं बनना चाहिए। अन्ना हजारे का धोखा देके बैठा है जो बंदा, जो अपने गुरु का नहीं हुआ, अपने बच्चों की झूठी कसम खा के कांग्रेस से सपोर्ट से सरकार बनाई अगले बंदे ने, थूक के चाटने वाला बंदा है केजरीवाल। अच्छा, आपका क्या कहना है सर? मेरे को ये भाई एकदम सही बोल रहे हैं, केजरीवाल कर क्या रहा है, फ्री में सारी चीज बांट रहा है, सारी चीज फ्री में। डर लगता है, डर लगता है आपको? किस लिए डर लगता है भाई? पत्थरबाजी कैसी हुई है 14 तारीख के बाद? एक मिनट, पत्थरबाजी हो रहा है तो इसलिए दिल्ली में डर लगता है? दिल्ली पुलिस किसके हाथ में है भाई? दिल्ली पुलिस ना हो तो केजरीवाल रोज पिटे। दिल्ली पुलिस ना हो केजरीवाल रोज पिटे, रोज जूते खाए यहाँ पे आया था केजरीवाल आज तक के प्रोग्राम में। दिल्ली पुलिस किसके हाथ में है पहले ये बताइए? दिल्ली पुलिस सेंटर के हाथ में। ठीक है, सेंटर की उन्हें कंट्रोल दिल्ली पुलिस करना चाहिए ना भाई, तभी तो थप्पड़ नहीं खा रहा। नहीं, पिछले 5 साल में कितना थप्पड़ खाए, अब की बार एक भी नहीं पड़ा, क्योंकि पुलिस ने कंट्रोल कर रखा है। पुलिस ने कंट्रोल कर लिया, लेकिन आपको डर लगता है भाई? ये डर लगेगा जब उनका विधायक, मुसलमान विधायक भड़का रहा है। हमारे दिल में तो मुसलमानों के लिए नफरत पैदा हो रही है ना, क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं, न्यूज में देख रहे हैं, हर जगह देख रहे हैं, टोपी वाले पत्थरबाजी कर रहे हैं। प्रॉपर्टी किसकी है? गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। कहने का मतलब है दिल्ली पुलिस भाई, जो एक मिनट जो हाथ फट रहा है उसको 5 लाख रुपए दे रहा है, बलात्कारी को सिलाई मशीन दे रहा है। कहाँ से सीएम है वो? आप भटका रहे हैं, सुनिए मेरी बात। मैं ये पूछ रही हूँ, दिल्ली पुलिस उनके हाथ में है, ठीक है, केंद्र के हाथ में है, तो आपने बोला केजरीवाल का सरकार नहीं बनना चाहिए। तो भाई जब सब कुछ केंद्र के हाथ में है, वो देहाती औरत सीएम की कुर्सी पे क्यों बैठा? उतर जा, हर बात पे बोलता है मुझे एलजी नहीं करने दे रहा, मुझे मोदी नहीं। जब तुझे कुछ करने नहीं दे रहा था तो उतर के साइड हो जाना यार। किसी और आपको किस बात की डर लगता है? दिल्ली पुलिस आपको भाई हर शुक्रवार पत्थरबाजी हुई है, कभी जामिया इस्लामिया से प्रोटेस्ट निकलता है, कभी निकलता है जामा मस्जिद से, कभी निकलता है वो सीलमपुर से। ये कोई तरीका है? दिल्ली भाई साहब आज तक नहीं चली, अब क्यों चल रही है? कन्हैया कुमार की फाइल क्यों दबाई उसने? अच्छा, कन्हैया कुमार की फाइल क्यों दबाई? उनका सपोर्ट क्यों कर रहा है भैया? निर्भया के चक्कर में खड़ा हुआ था, सीएम बना था, निर्भया का केस तो अब फाइनल हुआ है, सीएम तो बन के उतर गया है। अच्छा, कहने का मतलब है नहीं बनेगा सर? आपका क्या कहना है? नहीं बनेगा, नहीं बनना चाहिए। अच्छा, आपका क्या कहना है? नहीं बनना चाहिए भैया, नहीं बनना चाहिए। बनना चाहिए मेरे राय। क्यों बनना चाहिए सर? क्योंकि उसने दिल्ली के लिए इतना काम किया है ना। क्या किया है? मैं बता रहा हूँ दिल्ली के लिए उसने पानी फ्री कर दिया, लाइट फ्री कर दी, ठीक है, शिक्षा फ्री कर दी, इसके बाद हॉस्पिटल जो था वो सारा फ्री कर दिया। और दिल्ली को क्या चाहिए? और दिल्ली को क्या चाहिए आप बताइए, इसके अलावा और क्या चाहिए? अगर जियो वाले एक मिनट, अगर आप कह रहे हैं कि मतलब विज्ञापन पे कितना खर्च किया है, पानी पे बताइए, मैं बता रहा हूँ। केजरीवाल ने साफ साफ कह दिया अगर मैंने काम ना किया हो तो मुझे बहुत मत बोल रही है, झूठ बोल रही है, झूठ क्यों बोल रही है? 6000 पार्टी आ जाती है, डाटा दे, एक मिनट, सॉरी, खत्म हो गई, एक मिनट, डीडीसी को खत्म कर दिया केजरीवाल ने, 2.5 करोड़ रोज डेली घाटा चल रहा है डीडीसी का, और 6000 पार्टी आज 2900 बस है केजरीवाल ने किया, ये काम किया। ₹2000 करोड़ टोटल खर्च हुआ है बिजली पानी में, और 1400 करोड़ खर्चा किए हैं विज्ञापन में केजरीवाल जी। केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूँ इसका डाटा, मैं दे रहा हूँ सिर्फ 2000 करोड़ रुपया। भाजपा भी आएगी तो 2000 करोड़ देगी, यह मुद्दा नहीं है। मुद्दा यह है कि भारत के संसद पे जो अफजल गुरु ने हमला किया था, उनकी बरसी मनाने वालों की फाइल दिल्ली का मुख्यमंत्री क्यों अपने पास रखा है? 5 लाख रुपए फिलहाल किसी न्यूज चैनल पे बताया कि उसको अच्छे से देख 5 साल में देख नहीं पाए। 3 साल तो पुलिस ने भी लगा दिया सर। क्या लगा दिया? फाइल दिया ना, फाइल 5 साल तक केजरीवाल फाइल पर लेकर कोर्ट ने पूछा बाकायदा, पुलिस ने 3 साल का, सरकार भी 3 साल, जैसे को तैसा करेंगे, एक
गलत करता क्या दूसरा भी गलत करेगा। हम वही आपसे जानना चाहते हैं सर, क्या जिस तरीके से कह रहे हैं अभी काम नहीं हो रहा है, तो हम ये जानने के लिए आए क्या दिल्ली में काम हो रहा है नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। कांग्रेस की मीटिंग हो रहा है मैडम, कांग्रेस। एक मिनट रुक जाओ, मैं बोलूंगा, एक मिनट रुक जाओ। जो बात अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि मैंने शिक्षा नीति पे कार्य किया है, आप ये बता दीजिए दिल्ली में आप पहले से भी रहते होंगे और जो पहले से रहते हैं यहाँ पे बहुत सारे जो लोग पहले से रहते होंगे, क्या स्कूल जो विद्यालय बने हैं उसका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या पहले नहीं था क्या? इंफ्रास्ट्रक्चर दूसरे राज्य के कंपेयर में कीजिएगा तो दिल्ली के स्कूलों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पहले से ही बेटर था किसी दूसरे राज्य के कंपेयर में। पहले से अगर बेटर था तो जो स्कूल के जो पेरेंट्स हैं वो बच्चे अपने प्राइवेट स्कूल में क्यों डालते हैं? अब ये ठीक है, आपकी बात को मैं जवाब दे रहा हूँ। केजरीवाल जी, अगर सरकारी स्कूल का शिक्षा नीति इतना बढ़िया है और वो कहते हैं कि मैंने शिक्षा नीति में बहुत बढ़िया कार्य किया है, तो वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में क्यों पढ़ा रहे हैं? दूसरी बात, और आज के जो अगर शिक्षा नीति में दिल्ली का अगर स्कूल है, सेंट्रल स्कूल है, इंग्लिश मीडियम का रिजल्ट भी बढ़िया हुआ है, जो कि झूठे हैं जो भी जितने भी जो सर्वे, मतलब है काम नहीं हो रहा है। देखो काम बिल्कुल नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं मैडम। ये आतंकवादियों का साथ देता काम, इसने एक मिनट, अगर इसने काम किया से चिल्लाने की जरूरत नहीं है दिल्ली की जनता से कि हमने काम किया, जनता फैसला कर देगी। ये कह रहे लगे रहो केजरीवाल अच्छे, मुझे पांच साल आम पार्टी आतंकवादी मोहल्ला क्लिनिक में गाय बैठी हुई है, टूटा फूटा पड़ा है, ये देश को सिर्फ आग बरगला रहा है। हाँ जी बताइए, काम हो रहा है दिल्ली में? मैम तीन महीने पहले इन्होंने चुनाव आरती वापस में लड़ाई कराने के लिए कोई भी स्टेट के लिए दो तीन महीने पहले फ्री में देना, ये बिल्कुल पूरा भिखारी पॉलिसी है, फ्री में तीन महीने पहले बांटना, ठीक है? जो कि आपने देखा होगा, अगर इतना अगर इनको देने का अगर ये होता दो साल पहले कर देते, एक साल पहले कर देते, या तो तीन साल पहले कर देते। इन्होंने तीन महीने पहले क्यों पता है? इनका पॉलिसी इसी तरह फ्री पॉलिसी कौन करता है? जो इंडिया का ना जो बैकवर्ड स्टेट है, और खुद ही अरविंद केजरीवाल इन्होंने फ्री दिया है। अच्छा ये बताइए, छह साल हो गया मोदी सरकार को, अभी तक नौकरी क्यों नहीं दे पा रहे? कि किसने बताया दे नहीं पा रहा है? आप दो करोड़, नहीं 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 मैम, मैं कह रहा हूँ नौकरी, मैं नौकरी का कह रहा हूँ। एक मिनट, आपको बता दूं, मुद्रा योजना में गांव गांव तक काम गया है, मुद्रा योजना में गांव गांव तक काम गया है। कहने का मतलब है काम हो रहा है, काम हो रहा है, काम हो रहा है। ये जो बोल रहे हैं, उन्होंने कहा कि तीन महीने पहले क्यों किया, आपको पता होना चाहिए केजरीवाल के हाथ में गया ही छह महीने पहले है उनके काम, उससे बाद सुप्रीम कोर्ट जी छह महीने पहले कुछ काम करने में परमिशन भी, इससे दो साल पहले कैसे कर देता? आप बताइए दो साल पहले वो कैसे कर देते? छह महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने उसे ऑर्डर दिया काम करने का, उससे इनके हठधर्मी है नहीं मानेंगे, ये हठधर्मी है बीजेपी वाले, हठधर्मी नहीं माने तो कुछ जवाब नहीं है। मर ये बताओ आप, बिल्कुल 100% कम रहा, आप स्कूल जाकर देखो, हॉस्पिटल देखो, ऑफिसों में ये नहीं करो, भ्रष्टाचार दिल्ली सबसे लास्ट आता है, इसका मतलब टोटल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना दिल्ली में है ही नहीं डेवलप्ड। पुलिस के काम किया नहीं, कोई भी स्टेट किसके चलता है? एक मिनट सुनिए, कोई भी स्टेट किसके वो चलता है? पुलिस को चलता है, प्रशासन कहते हैं सारे अपराधी बढ़ते हो जाएंगे केजरीवाल को अगर पुलिस दे दे, पुलिस केजरीवाल के हाथ में पुलिस देंगे तो अपराधी बढ़ते हो जाएंगे, तो पार्टी में जो अपराधियों को ले लेते भाई, जब कतरे सारे हैं, सारे जब कतरे भरे हुए सारे अपराधी, हर पार्टी में अपराधी है। अगर बीजेपी कांग्रेस करके इन्होंने विरूफाई होने के लिए आए थे, अमित शाह जी की बात भी चल रही है, मैं एक बात बताता हूं, इन्होंने बात कर रहे थे नंबर वन अपराधी केजरीवाल है इंडिया में, इससे बड़ा अपराधी कोई चीफ मिनिस्टर नहीं है। सर एक बात बताइए, हर नेशनलिस्ट है अपराधी, अपराधी मैम हर पार्टी का, छोड़िए आम आदमी पार्टी कह रहे थे कि मैं जब आऊंगा दिल्ली को क्योंकि ये खुद ही केजरीवाल कह रहे थे कि ये बीजेपी कांग्रेस देश के मियां बीबी, उनका स्पीच इसी तरह था, कह रहे थे मैं जब आऊंगा दिल्ली को नीट एंड क्लीन कर दूंगा। देखिए इन्होंने क्या किया, कूड़ा बना, आपने 2017 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल उन्होंने इसको लेटर लगाई, क्या आप दिन रात मोदी चिल्ला रहे हो? जाकर दिल्ली में हॉस्पिटल में देखिए पॉल्यूशन में लोगों का बीमारी कितना है, ये एनजीटी का ये मेरा नहीं है।
अभी पोल्यूशन में काम होएगा कह रहे हैं। एक चीज बताइए मैम, पाँच साल चला गया क्या? पाँच साल चला गया आप क्या काम करेगा? हम सबको दे रहे हैं, आपने बात रखी, इनको भी बात रखनी है। बच्चे काम कर रहे हैं, मनोज तिवारी ने कहा मिली ना, पाँच गुना देंगे। मिल गई तुम क्या? अरे नौकरी करने वाला जो दे रहे हो, ये कह रही है मनोज तिवारी, ठीक है, उन्होंने बताया था कि केजरीवाल का जितना काम है उसका पांच गुना, केजरीवाल का दिल्ली में ना बहुत परसेंटेज कम है काम। अच्छा, पांच गुना देने के लिए बोल रहे मनोज तिवारी ना, बीजेपी सरकार बोल रहे हैं, तो आप चाहते हैं बीजेपी सरकार आए? ऑब्वियसली जहां जिस राज्य में बीजेपी सरकार है वहां पर क्यों बिजली अभी तक फ्री नहीं दे रहे? एक बात बताइए, कोई एक मिनट इसका जवाब मैं दे रहा हूँ, कोई भी स्टेट को डेवलप करने के लिए केजरीवाल का पॉलिसी देयर इज नो नीड। आप कह रहे हो कि वहीं पे क्यों बिजली बिल, वहीं पे क्यों बिजली बिल फ्री नहीं है? नहीं होना चाहिए मैम, हमारे देश में ना पॉपुलेशन इतना कम नहीं कि फ्री चाहिए। आपने बीजेपी का कह रहे हो ना, आपने बॉम्बे बैंगलोर सब बीजेपी गवर्नमेंट है, काम देखना इससे कई गुना डेवलप है। और बार बार केजरीवाल कह रहे कि यूपी बिहार को काम इतना हो रहा है तो झारखंड में क्यों हार गया सर? क्या झारखंड में क्यों हार गया मैम? झारखंड का दिल्ली का अलग है, दिल्ली मेट्रो सिटी है, दिल्ली मेट्रो सिटी। आप ये क्यों क्वेश्चन कर रहे हो? दिल्ली में काम नहीं हुआ? आप ही बोल रहे हैं सर, आप ही बोल रहे हैं। नहीं, केजरीवाल का बार बार काम केजरीवाल का बार बार कह रहे कि अगर केंद्र और राज्य दोनों में बीजेपी की सरकार रहेगी और नगर निगम में भी सरकार है, तीनों में अगर हो जाएगी तो बढ़िया रहेगा, काम स्मूथली होगा, डेवलपमेंट होगा। झारखंड में हार गए आप कह रहे हो, और कई जगह भी बीजेपी करूंगा कि काम हो रहा है सर दिल्ली में नहीं। सुनिए जो इन्होंने बातें कही है, नागपुर में ये अभी हरे निकाय इलेक्शन ये हर गए, झारखंड में इलेक्शन हर गए, केजरीवाल ही IRS ऑफिसर, रेवेन्यू डिपार्टमेंट कमिश्नर रहा है, उसको मालूम है कहाँ से कहाँ पैसा लाना है। उसने कोई टैक्स आज तक पाँच साल में कोई टैक्स लगाया हो तो दिल्ली के लोग बोल दें बिल्कुल बिजली फ्री, यहाँ से ये चिल्ला रहे हैं सब लोग। मैडम उसने एक हर बड़े से बड़े घर को, अमीर घर को भी बचत करना सिखाया है कि 200 यूनिट तक तो फ्री है, उसके बाद होगा तो पूरे का पूरा बिल देना पड़ेगा। बिल्कुल बहुत बढ़िया। पानी का ले लीजिए, पानी पे भी उसने लोगों को यही बताया है, आप सुनते रहिए थोड़ा सा, पानी पे भी क्या है, एजुकेशन, जब इनको एजुकेशन की पॉलिसी ही नहीं पता उसकी क्या है, आज 12वीं क्लास तक सब बच्चों को फ्री कर दिया, उसके बाद भी अगर आप में कैपेसिटी नहीं है पढ़ने की, आप बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, तो उसने 10 लाख का लोन कर दिया। बहुत बढ़िया, बहुत कि 10 लाख के लोन होने तक विदाउट इंटरेस्ट, विदाउट विटनेस, और सरकार गारंटी लेगी, उसके बाद एक साल तक आपका बच्चा नौकरी लगने के बाद वो पैसा विदाउट इंटरेस्ट रिफंड करेगा मैम, ठीक है। आप कनॉट प्लेस में खड़े हैं, आप डिफरेंट प्लेसेस पे पहले तो हॉस्पिटल्स में जाइए, वहाँ लोगों के व्यूज लीजिए, वो लोकल लोग जो हैं यहाँ तो बाहर से भी हैं, तो देखिए कि उसमें क्या है ना, मेडिसिन फ्री आ गई, मेडिसिन फ्री आ गई, अब रोड, अब लोग ये कहते हैं कि 6 महीने में, अरे उसके ऊपर तलवार ऊपर से कोर्ट की लटकी है। अच्छा, आपका कहना है कि काम हो रहा है? काम हो रहा है मैम, मैं और मैम एक सवाल में जवाब दीजिए, बिल्कुल काम हो रहा है मैम। मैं आपको बताना चाहूँगा 2019 के अंदर बीजेपी 7 स्टेटों से साफ हो गई है। बीजेपी वाले कहते हैं कि मतलब हम बहुत काम कर रहे हैं, हम अपना जो हमारा अभियान है वो काम के बल पर जीत रहे हैं हम, तो 2019 में 7 स्टेट से बीजेपी की सरकार चली गई, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये लोग जो कह रहे हैं कि मतलब बिजली फ्री कर दी, पानी फ्री कर दिया, ये पैसा कहाँ से आ रहा है? अभी एक अनदर पार्टी के एमपी ने 196 करोड़ का चार्ट 90 करोड़ का गुजरात के सीएम ने अपने लिए चार्टर्ड प्लेन खरीदा है। अगर केजरीवाल चाहते तो वो भी अपने लिए खरीद लेते, लेकिन उन्होंने दिल्ली के लिए उन्होंने पैसा खर्च किया शिक्षा पर, एजुकेशन पर। बिल्कुल काम हो रहा है मैम, काम हो रहा है। मैंने वो 190 करोड़ का जो विजय रूपानी खरीदा है ना, बताए काम हो रहा है दिल्ली में? आपसे पूछ लिया, और भी लोगों से पूछते हैं काम हो रहा है सर दिल्ली में? देखिए, काम की बात तो ये है, केजरीवाल जी ने सबको एक चॉकलेट दे दी कि चूसे जाओ
और क्या नाम जी फ्री में बिजली पानी ले जाओ और मुझे वोट दिए जाओ। अच्छा, तो कहने का मतलब है बिल्कुल गलत, ये नीति गलत नीति है। हम ये जानना चाहते हैं कि दिल्ली में सरकार किसका बनेगा, क्या काम हो रहा है, कामों में वोट मांगा जा रहा है? आम आदमी पार्टी का बनेगा तो काम हो रहा है? काम क्यों नहीं होता? पर कहीं 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 की डिफॉल्ट है। सुनो एक बात, सुनो, आपके बिजली के बिल काम देना कहते हैं, आपके बिजली के बिल इंक्रीज हुए, फ्री क्या होता है? देखो फ्री तो होना चाहिए, गलत है वो, गलत है तो गलत ही है। देश को निकम्मा बना रहे केजरीवाल, देश को निकम्मा बना रहे केजरीवाल। फ्री क्या होता है? फ्री क्या होता है? एक एक बारी बारी बोले, अगर ऐसे करेंगे हम चले जाएंगे। केजरीवाल जो है ना लॉलीपॉप दिए हुए कि लॉलीपॉप चूस लो, उसके बाद में इलेक्शन खत्म हो जाएगा, उसके बाद में सारे फ्री खत्म। क्या किया मोदी जी ने? मोदी जी ने राष्ट्रवाद के लिए कोई काम किया? उनकी सराहना कुमार विश्वास किए, कपिल मिश्रा किए, तूने पार्टी से बाहर निकाल दिया। गरीब बंदों से पूछो, वो बताएगा आपको कि केजरीवाल ने कितना अच्छा काम करा है। केजरीवाल, मोदी जी ने एक भी काम ऐसे नहीं किया पैसा लगे, एटलीस्ट केजरीवाल पैसा लगा के काम तो कर रहा है। केजरीवाल भ्रमित कर रहा है बस, और कुछ नहीं कर रहा है। हो गया, केजरीवाल ले रहा है पैसे, ले रहा है तो आपको फ्री में बिजली पानी, अपने शिक्षा, अपने ही जनता, अपने ही कार्यकर्ता को बिठा के डिबेट करता है, अपने ही जनता, अपने कार्यकर्ता को बिठा के डिबेट। हो गया, हो गया। हाँ तो ये भाई साहब ने बोला केजरीवाल ने काम किया है, इन्होंने बोला केजरीवाल ने काम, मैं बोलूँ आप लोग एक्चुअली पाँच साल से सिर्फ जय श्री राम ही हो रहा है, प्रॉब्लम यही है। डिबेट कर रहे थे केजरीवाल, जब उन्होंने को लिस्ट दिया गया कि भ्रष्टाचारी कौन से नेता है, जिसमें कई नेताओं का नाम आया, अखिलेश यादव, मायावती, शरद पवार और पी चिदम्बरम। मेरी बात सुनिए, भ्रष्टाचारी नेताओं का नाम आया, उनसे पूछा गया कि ये भ्रष्टाचारी नेता है, इन्होंने स्विस बैंक में इनका अकाउंट है, तो आप इनके साथ प्रदर्शन क्यों करते हैं, इनका साथ क्यों दे रहे हैं? तो केजरीवाल की बोलती बंद हो गई, उन्होंने ये कहा सिर्फ मोदी को गिराने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, आप बताइए क्या बोलना चाहते हैं? भाई साहब ने बोला केजरीवाल ने काम किया है, काम किया है नहीं किया है? तुम काम क्या किया बताओ ना, उधर जाओ, काम क्या किया बताओ? हम और भी लोगों से जानेंगे, बताइए सर, आप पीछे से हम जानेंगे सर, आप बताइए, आप बोलना नहीं चाहते? एक मिनट सर, हम पीछे की तरफ जाएंगे और भी लोगों से जानेंगे कि उनका क्या राय है, आप लोगों का क्या राय है, आप बोलेंगे सर? किस बात के? कौन बनेगा दिल्ली का? दिल्ली का मुख्यमंत्री तो अरविंद केजरीवाल ने तो 5 साल दिल्ली की जनता को धोखा ही दिया है, दिल्ली की जनता का कोई काम नहीं किया है। अभी जो पार्टी आ रही है बीजेपी, नरेंद्र मोदी जी को समर्थन है, लेकिन आप बताइए सर किसका सरकार बनेगा? ऑब्वियसली केजरीवाल, केजरीवाल, केजरीवाल का कहना है कि काम नहीं हो रहा है, आपका क्या कहना? काम ऑब्वियसली हो रहा है मैम, दिल्ली में नहीं हुआ तो कहाँ, आप बताइए कोई प्रूफ दे कि बीजेपी क्या कर सकती है? अरे केजरीवाल नहीं कर रहे तो उनका क्या एजेंडा है फ्यूचर का? कुछ तो आप देखो, इवन उनके पास तो सीएम कैंडिडेट नहीं है, तो आप किसे, मनोज तिवारी, डिंकिया के पापा को थोड़ी बना सकते हो सीएम कैंडिडेट? कहने का मतलब है बीजेपी का नहीं बनना चाहिए, आपका क्या कहना है? केजरीवाल बनना चाहिए। अच्छा, हम और भी आपका क्या कहना है, किसका बनना चाहिए सरकार? केजरीवाल के कौन बनना चाहिए? इस समय दिल्ली के लिए सबसे ज्यादा जरूरतमंद वही है और बेस्ट है, केजरीवाल, केजरीवाल ही बनना चाहिए आपका? तीनों जगह बीजेपी, आपने बता दिया है। मेरे एक दोस्त है उड़ीसा, आपस में मत ले सर, मेरे एक दोस्त है उड़ीसा से, वो जॉब करने दिल्ली आया है, दिल्ली का काम देखकर उसने सिर्फ एक बात बोली, अपनी भाषा बोली, दिल्ली में तो केजरीवाल, सच्ची बात है, बोल नहीं पाया पर सच्चाई बोली, दिल्ली में केजरीवाल ही आना चाहिए, केजरीवाल ही आना चाहिए। ठीक है, आप लोगों का कहना है बीजेपी का सरकार बनना चाहिए, हम और भी लोगों से जानते हैं किसका सरकार, केजरीवाल, केजरीवाल, केजरीवाल का सरकार क्यों बनना चाहिए? हर चीज फ्री कर दिया, फ्री खाने की आदत हो गई भाई। वाह वाह, बहुत भारत बहुत सरकार बनेगा। ये लोग कहते हैं केजरीवाल ने काम किया, केंद्र सरकार काम करने, केंद्र सरकार काम करने नहीं देती है, तो केजरीवाल 4 साल 5 साल दिल्ली में राज किए, तो 4 साल केंद्र सरकार काम करने, 3 महीने पहले क्यों काम करके सरकार ने दी? पहले तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कह रहे, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है तभी काम हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर से तो 4 साल पहले क्यों नहीं आई मैम? ये केजरीवाल जी कहते हैं कि हम 4 साल में
कहने का मतलब है कि केजरीवाल का सरकार नहीं बनेगा इस बार, केंद्र में बीजेपी और राज्य में बीजेपी, नगर निगम में बीजेपी है। इन लोगों का कहना है कि कुछ तमाम लोगों का कहना यह भी है कि बीजेपी का सरकार बनेगा और कुछ लोगों का कहना यह भी है कि अरविंद केजरीवाल का सरकार बनेगा। देखना यह कि सरकार किस तरह बनता है और कौन बनेगा दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री, क्योंकि 8 तारीख को चुनाव का तारीख घोषित हो चुका है। दिल्ली वाले किसको देंगे अपना सिंहासन, देखना है। नए मुद्दे के साथ मैं फिर से आऊंगी, तब तक आप लोग हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।